हेलो दोस्तों। तो आज मैं कुछ बनाने वाली हूँ। घर में कोई सब्जी ना हो तो ये बनाएं। दो आलू ले लिए मैंने मीडियम साइज़ के, छील करके, और इनको रफली काट लेंगे हम इस तरीके से। ये देख सकते हो, यकीन मानिए बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बन करके तैयार होगी। एक बार बनाओगे बार बार खाओगे। इस तरीके से आलू को काट लेना है हमको। घर में जब कोई सब्जी ना हो तो यही बनाती हूँ मैं। दो आलू पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा बना लिया जाए। और ये देखिए, इस तरीके से आलू काट करके तैयार कर लिए हैं मैंने, एकदम रफली। ज़्यादा मोटे नहीं करने, इस तरीके से काटने। गारंटी है ये सब्जी आपको पसंद आएगी। तो इधर मैंने लिया है मिक्सी का जार, और इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने काटे थे। इनको हम पीसेंगे ददरा, और साथ ही डालूंगी 3 हरी मिर्ची। आप इसमें अदरक और लहसुन भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। और ये देखिए, हमारा एकदम ददरा पेस्ट बन करके तैयार हो गया आलू का इस तरीके से। और इसको हम निकालेंगे परात में। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होगी। और ये देखिए, बढ़िया से पिस गया है। और इसमें मैं डालूँगी 1 कटोरी बेसन। ये मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। ये आलू के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें बेसन कितना लगेगा। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। आलू बड़े हैं तो बेसन भी ज़्यादा लगेगा। ये 1 चुटकी हींग डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च, वो लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़े थोड़े मसाले ऐड करेंगे इसमें। हल्दी डाली है ताकि कलर अच्छा आ जाए, थोड़ा सा नमक। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आलू ज़्यादा होंगे तो बेसन भी ज़्यादा लगेगा। और ये देखिए, एक डो बन करके तैयार हो गया है। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, आप रिफाइंड घी कुछ भी डाल सकते हो। ये इसको चिकना करेंगे अच्छे से, ये देख सकते हो। और ये हमारा एक डो बन करके तैयार हो गया अच्छे से मीडियम। और इधर काटे हैं मैंने टमाटर और लहसुन, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। इसको मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लेंगे। एकदम नए तरीके की सब्जी है आलू बेसन की। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताएं। और ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है टमाटर का, ये देख सकते हो, एकदम बढ़िया। हमने ज़्यादा फाइन नहीं किया है, ददरा रखा है। और इधर मैं लगाऊंगी चकले पे थोड़ा सा तेल, जो हमने डो बना के रखा था उसे हम चिकना करेंगे इस तरीके से। रोल बनाएंगे इसका। और इसको मैं ट्रायंगल वाली शेप दे रही हूँ, एकदम तिकोना। आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जौन सी शेप अच्छी लगती है तौन सी दें। ये देखिए, एकदम चपटा कर देंगे इसको। और इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो इसके जब हम पीस काटेंगे तो अच्छे कट करके तैयार होंगे। और ये देखिए, मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक भून लेंगे हम मसाला। और ये कढ़ाई हो चुकी है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, इनको हम अच्छे से भूनेंगे एकदम ब्राउन होने तक। एक बार ज़रूर बना करके देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। और ये करी पत्ते डाल दूंगी थोड़े से। आप यहाँ पे तेज पत्ता, गरम मसाले, लौंग वोंग सब डाल सकते हो। मैं ये सिंपल बना रही हूँ तो मैंने नहीं डाला। 2 लाल मिर्ची डालेंगे इसमें अच्छे से। और जो हमने पेस्ट बनाया था टमाटर वाला, उसको डालेंगे अब, और बढ़िया से भूनेंगे। दोस्तों, सब्जी बन करके बहुत मज़ेदार बनेगी। और ये देखिए, इधर हमारी जो हमने रखा था वो अच्छे से सेट हो गया है। और ये देखिए, पीस कट कर लेंगे, कितने बढ़िया पीस कट हो रहे हैं इसके। और ये देखिए, इस तरीके की शेप दी है मैंने ट्रायंगल वाली। और थोड़ा सा इनको हम स्टीम भी कर लेंगे। ये हमारी ग्रेवी बन चुकी है, इसमें मसाले ऐड कर देते हैं अच्छे से। धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्ची सब ऐड कर देंगे इसमें, और एक साथ अच्छे से भूनेंगे। थोड़ा सा आमचूर भी डाला है मैंने इसमें।
आप नींबू भी डाल सकते हो, थोड़ी सी खटास रहती है तो अच्छी लगती है। ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी किया है मैंने इसमें, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, इसको मैंने स्टीम किया है, बढ़िया तरह से स्टीम हो गया है एकदम से। आप चाहो तो इसे स्टीम करके भी बना सकते हो। और इधर मैंने ये थोड़ा सा सैलो फ्राई किया है, क्योंकि मुझे सैलो फ्राई करके अच्छा लगता है। आप स्टीम करके भी बना सकते हो, स्टीम करोगे तो उसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगेगा। और ये पीस जो है हम डाल देते हैं। ग्रेवी पक चुकी है हमारी और सब्ज़ी बन करके तैयार है दोस्तों। तो आपको कैसी लगी ज़रूर से बताएं। देख सकते हो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मेरे घर में सबको ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये गर्मा गर्म सब्ज़ी, पूरी, पराठे किसी के भी साथ खा सकते हो, रोटियां कम पड़ जाएंगी दोस्तों, मगर सब्ज़ी से मन नहीं भरेगा। तो आपको भी